हमें इस समय दुनिया की सबसे मशहूर जगह जिसको गया बोला जाता है, गया का जो नाम है वो गया का मतलब होता है गया हुआ, इसको बौद्ध गया बोलते हैं, इसका मतलब बौद्धि गया यानी बौद्धि यहाँ से चली गई। मगर अगर बौद्धि यहाँ से गई है तो ये बात तय है कि यहाँ बौद्धि आई है तब यहाँ से बौद्धि गई है, क्योंकि गच्छति का मतलब जाना होता है पाली के अंदर, जो यहाँ की भाषा यहाँ का बच्चा बच्चा बोलता था, और आगच्छति का मतलब होता है आई, और बोधि का मतलब परम ज्ञान है। बोधि आगच्छति यानी भगवान बुद्ध को बोधि आई थी। कहाँ आई थी? ये जो आप जगह देख रहे हैं सारी की सारी, ये वो रिवर है जो भगवान बुद्ध ने उधर से पार करते हुए आए थे। वहाँ सुजाता का गांव है, वहाँ खीर खाई थी उन्होंने, और वहाँ एक पहाड़ी भी है, और वहाँ से वो पैदल चलते चलते ये जो रिवर है जिसको निरंजन रिवर बोलते हैं, यहाँ से आते हुए वो ऊपर गए, और वहाँ बोधि का वृक्ष ऊपर की साइड में है, वहाँ जाके वो बोधि के वृक्ष पर जाके उन्होंने परम ज्ञान लिया, जहाँ उन्होंने अधिष्ठान किया, और जहाँ ये उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब मैं परम ज्ञान को जानकर ही उठूँगा। ये जो रिवर है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया इस रिवर पे अपना पिंडपात करने आती है। पिंडपात का मतलब होता है भोजन दान करने के लिए। बाद में ये परंपरा बनाई कि जो पाप की गठरी है या जो पाप है या जो आपका सब कुछ है वो धुल जाएगा, इसलिए यहाँ श्राद्धों के समय, श्राद्ध का मतलब साधना होता है, साधना के समय यहाँ बहुत लोग आते हैं, साधना को श्राद्ध बना दिया और पिंड भोजन को पिंडदान करके यहाँ खाने पीने का धंधा बना दिया, जो कि इस निंजा रिवर पे अगस्त के महीने पे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं और यहाँ एक कार्यक्रम चलता है। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये बाद में डेवलप हुई है सम्राट अशोक के समय में, और आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो पत्थर है, जो ये काले पत्थर हैं, ये पत्थर बहुत पुराने पत्थर हैं जिनको तोड़ के और यहाँ लगाया गया है। ये पत्थर कहीं बाहर से आए हुए हैं। आप यहाँ नीचे देखेंगे सीढ़ियों पे तो यहाँ भगवान बुद्ध की स्टैचू हैं, और ये पत्थर यहाँ सीढ़ियों पर नहीं लगे हुए, क्योंकि जो आदमी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करेगा, जानेगा और ऐसी मूर्तें बनाएगा, वो यहाँ पैरों में नहीं लगाएगा। किसी आदमी ने जानबूझ के, किन्हीं लोगों ने, कहीं जब सत्ता का परिवर्तन हुआ होगा तो उन्होंने ये तोड़ तोड़ के यहाँ भगवान बुद्ध की, देखिए गर्दन सारी तोड़ी हुई हैं और ये सीढ़ियों पर लगाए हुए हैं, ऐसे ही आपको वहाँ मिलेगा। और ये जो काले पत्थर हैं ये बहुत पुराने पत्थर हैं, इनको जो बोला जाता है इसमें आयरन और ज़्यादा होता है, और ये पत्थर बहुत कठोर बढ़िया पत्थर होता है। तो ये जो ग्रेनाइट है, इस ग्रेनाइट पे ये बहुत कलाकारी हुई है। और यहाँ हमारे साथ में हरियाणा से आए हुए हैं करमबीर सिंह बौद्ध जी, जिन्होंने हरियाणा के अंदर पूरी धमकी पताका फैलाई है। हम इनसे पूछेंगे कि आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है, बताइए करमबीर सिंह जी कि आपको यहाँ आके कैसा महसूस हो रहा है, जो आप वहाँ खड़े हुए जहाँ भगवान बुद्ध खुद पैदल चल के कभी यहाँ से आते जाते थे। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आज बोध गया की धरती के ऊपर जो है ना, अपने पूरे परिवार के साथ और हरियाणा से कम 200-250 परिवारों के साथ जो है ना, आज जहाँ बोध तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, और मैं उस नदी पर हूँ जहाँ, जिस नदी को जो है ना भगवान बुद्ध ने जो है ना यहाँ एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा जब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं। तो उस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके जो है ना, हमारी बहन सुजाता ने जो है ना उनको खीर खिलाई थी, और खीर खाकर जब देखा कि जो है ना जीवन ही सब कुछ है, तो तब इस नदी से जो है ना पार करके जो है ना वो बौद्ध वृक्ष है उनके नीचे आकर बैठे थे। तो आज हरियाणा से कोने कोने से काफ़ी लोग आए हुए हैं, और ये हमें बड़ा खुशी का एहसास हो रहा है कि हमें ऐसी जगह जो ना आ जाने का हमें मौका मिला। और मैं अपील करता हूँ पूरे भारतवर्ष के लोगों से, खासकर मैं जिस प्रदेश का बिलोंग करता हूँ उस राज्य से के लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि वो सभी जाति और धर्म छोड़कर जो है ना यहाँ आकर एक बार देखें कि जहाँ तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करके दुनिया को जो है ना एक मार्गदर्शन दिया था। तो मेरे साथ मेरा बेटा है रवि, तो वो भी आपके सामने कुछ बात करना चाहेगा। मेरा नाम रवि है, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। आज इस भगवान बुद्ध की इस धरती पे आकर हमें एक अत्यंत ही खुशी मिलती है, और उस जगह को देखने का एक मौका मिला जहाँ कि भगवान बुद्ध जैसी एक विचारधारा निकल के आती है और पूरे संसार में एक बदलाव लाने की पूरी कोशिश करती है और बदलाव लाती है, और जो आज तक सदियों पुरानी सबसे व्यवस्था चलती आ रही है, और एक मार्गदर्शक की तरह हमें सबको, पूरी मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने का मौका दे रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परिवार का भी जो मुझे यहाँ लेकर आए हैं, और धन्यवाद। हाँ सीमा जी, आप क्या बताना चाहेंगी, क्योंकि आप क्या बोलते हैं बुद्ध की बहुत बड़ी अनुयायी हैं, बताएं, और आप यहाँ दूसरी बार आई हैं। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है,
मैं जब लास्ट ईयर यहाँ पर आई थी तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मेरा यहाँ से जाने को मन ही नहीं कर रहा था। तो मतलब अब जाना था, आए तो जाना तो है, इसलिए हमने बहुत जल्दी दोबारा प्रोग्राम बनाया है आने का। और भगवान बुद्ध की सतलज पे आके बोध गया में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हमने देखा है ये रिवर है, इतनी पुरानी है और इन पर भगवान बुद्ध की फोटो लगी हुई है सीढ़ियों पे, जिनसे इतनी साजिश की गई है। उनकी गर्दन किसी ने साजिश के तहत तोड़ दी है यहाँ से। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। सुजाता बहन ने यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध सिद्धार्थ जी को खीर खिलाई थी, उसके बाद ही उनका नाम भगवान बुद्ध पड़ा था।